हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ, ये अगेन एक अनबॉक्सिंग का वीडियो है। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ नहीं किया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सीज़र रखा है, सीज़र की हेल्प से मैं इसे ओपन करूँगी। पैकिंग बहुत अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने ऐसे ऐसे काट दिया है। क्या क्या निकलेगा? ये हमारा बॉक्स है और इसके अंदर बिल है। सो अपन ऐसे साइड करते हुए, बहुत अच्छे से पैक किया है इन्होंने। होप ये आपको दिख रहा होगा। अगेन मैं ऐसे सीजर के हेल्प से, देखिए मैंने इसे यहाँ से कट किया है। अब मैं इसे ओपन कर लूँगी। टन टन है, होप ये आपको दिख रहा होगा। इस हाथ तो और क्या है, ये भी है। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। जो ये वीडियो है, इसमें किसका वीडियो है? मैं ये बता दूँ आपको, ये हमारा शाओमी का फ़ोन है, रेडमी 9 प्रो। अगर आप लो बजट में कुछ अच्छा फ़ोन परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, आप इसे इजीली ले सकते हैं। बहुत अच्छा कैमरा क्वालिटी, बैटरी, प्रोसेसर, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और फ्रेंड्स, और ये बहुत सस्ता है, बहुत मतलब रीजनेबल है, वैल्यू फॉर मनी है। 10,999, 11,000 का फ़ोन है ये। ये आपको दिख रहा होगा। चलिए अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ, ये रेडमी 9 पावर है, 48 मेगापिक्सल का इसमें ऑल क्वाड कैमरा है, अल्ट्रा वाइड एंगल एंड मैक्रो लेंसेज भी लगे हैं, 6,000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट का फास्ट सपोर्टिंग चार्जर दिया है, फुल SD है और क्वालकम स्नैपड्रैगन का इसमें प्रोसेसर लगा है एंड 8 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है, IR ब्लास्टर 8, UV रेड एंड लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन है, डुअल वोल्टी विथ वाईफाई, डुअल स्पीकर इज प्लेस प्रूफ, नैनो कोटिंग है, टाइप सी का इसमें चार्जर है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत प्रॉपर, यहाँ से भी सील पैक है, यहाँ से भी सील पैक है। इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, ये फ़ोन है वो मेड इन इंडिया है, डिज़ाइन बाई रेडमी है, ये दिख रहा होगा। ये मैं, आप देखिए, मैंने ये बॉक्स ओपन कर लिया। सो ये इसके अंदर एक बॉक्स है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, ये देख रहे होंगे यहाँ पे हमें ये सिम इंजेक्टर मिला है और एक ये बहुत ही प्यारा कवर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। होप ये आपको दिख रहा होगा। बहुत सही है, कवर की क्वालिटी बहुत गुड है। सो नाउ अब मैं आपको बताती हूँ फ़ोन, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे, बहुत ही हैंडी है, बहुत प्यारा है फ़ोन, देख पा रहे होंगे। लो बजट में बहुत अच्छा फ़ोन है। और क्या है ये, इसमें क्या है, एक केबल है और ये 18 वॉट का चार्जर है। फ्रेंड, ये फ़ोन बहुत अच्छा है। रीज़न, अभी रिसेंटली ये दूसरा मेरे घर में आया है, एक ऑलरेडी ये हम मंगा चुके थे बट मैं उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं बना पाई थी। ये फ़ोन 10-11 हज़ार में आपको क्या मिलेगा, और रेडमी है तो अच्छा है, हैंग नहीं होगा। बाकी जो दूसरे ब्रांड हैं वो बहुत हैंगिंग इशू है। या सो फिर आप आईफोन और वन प्लस में इन्वेस्ट करें, अगर लो बजट में जाना है तो एमआई इज़ वेरी गुड। वीवो भी ले सकते हैं, ओप्पो भी ले सकते हैं, अच्छा है, बट कुछ हैं जो बहुत हैंग का इशू होता है, इसमें नहीं है। ये मैंने भी एमआई का फ़ोन यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है ये, इसलिए मैंने ये दूसरा आज ऑर्डर किया था। ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत स्लिम सेट है। सबसे बड़ी बात, ये हैंडी है और इसे गर्ल या बॉय कोई भी कैरी कर सकता है। बहुत प्यारा कलर है, ये जो कलर है ये मेरा डार्क ब्लू है, आपको दिख रहा होगा, नेवी ब्लू टाइप का कलर है ये। अगर मैं इसकी बात करूं,
ऐसे लगेगा इसमें। आज कोई है नहीं कैमरा पकड़ने के लिए, मैंने खुद ही अकेले ये वीडियो शूट किया है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स। ये हमारा बहुत ही अच्छा फ़ोन है, इसमें एक छोटी सी बुक दी है, ये इसमें फ़ोन के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये वारंटी कार्ड है, क्या क्या है, कैसे कैसे आपको मिलेगा, इसमें सिम कार्ड ट्रे कैसे लगानी है आपको, माइक्रो एसडी, सबसे बड़ी बात इसमें आप दो सिम कार्ड के बाद एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। और जो इसका मैंने आपको बताया कि जो इसकी वो है स्टोरेज कैपेसिटी है, वो है 4 GB इसका रैम है और 64 GB इसका इंटरनल मेमोरी है, मीन्स 4 64 का ये फ़ोन है। बहुत अच्छा फ़ोन है, इतने लो बजट में आपको इतना अच्छा फ़ोन नहीं मिलेगा। फास्ट चार्जिंग है, आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आपको फ़ोन लेने में इंटरेस्ट है, अभी आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, सो बिल्कुल आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। ये मेरा रिव्यू जो मैं दे रही हूँ ये बहुत जेन्युइन है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। रीज़न, क्योंकि ये मेरे घर में ऑलरेडी मेरे फादर के लिए मैंने मंगाया था, वो यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा, रिसेंटली लॉन्च किया है इसको MI ने, बहुत अच्छा फ़ोन है। सो मेरा वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।